नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भोजपुर के पर्यटन स्थलों के बारे में। हमारा बिहार अपने ऐतिहासिक स्थलों, प्राचीन मंदिरों एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। आज हम आपको बिहार के प्रत्येक जिलों के पर्यटन स्थलों के बारे में बताने के क्रम में भोजपुर ले चलते हैं। अरवल, जहानाबाद, बक्सर, रोहतास, बलिया और सारण जिले के सीमाओं को छूने वाला भोजपुर जिला बिहार के ऐतिहासिक विशेषताओं की एक कड़ी है। घूमने फिरने और देखने के लिहाज से यह एक खूबसूरत स्थल है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ देश विदेश से पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। यह जिला भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रह चुका है। आप यहाँ अतीत से जुड़ी कई प्राचीन संरचनाओं को देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे कि पर्यटन के लिहाज से यह जिला आपको किस प्रकार आनंदित कर सकता है। तो आइए जानते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों को। सबसे पहले हम बात करेंगे अरणय मंदिर की। सन 2005 में स्थापित अरणय मंदिर नगर के शीश महल चौक से उत्तर पूर्व छोर पर स्थित है। यह नगर की अष्टात्री मानी जाती है। अब बताया जाता है कि उक्त स्थल पर प्राचीन काल में सिर्फ आदि शक्ति की प्रतिमा थी और इस मंदिर के चारों ओर वन था। पांडव वनवास के क्रम में आरा में ठहरे थे और उन्होंने आदि शक्ति की पूजा अर्चना की थी। तब देवी मां ने युधिष्ठिर को स्वप्न में संकेत दिया था कि वो अरणय देवी की प्रतिमा स्थापित करे। धर्मराज युधिष्ठिर ने मां अरणय देवी की प्रतिमा स्थापित की। कहा जाता है कि भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी जब बक्सर से जनकपुर धनुज यज्ञ के लिए आए थे तो अरणय देवी की पूजा अर्चना की थी। इस मंदिर में अनन्या देवी की दो मूर्तियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक शिवलिंग और नंदी की एक मूर्ति भी स्थित है। इसके अलावा आप यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता, राधा कृष्ण की मूर्तियां भी देख सकते हैं। मंदिर की देवी को जंगली की देवी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे जगदीशपुर किला की। यह किला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह का था। इस किले को वीर कुंवर सिंह किला भी कहते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। यह किला काफी लंबे समय से पुरातत्विक विभाग के सर्वेक्षण में है। पुरातत्विक विभाग के द्वारा ही इस किले के पास एक वीर कुंवर सिंह संग्रहालय बनाया गया था जिसे 2018 में जनता को समर्पित कर दिया गया। आप वहां कुंवर सिंह की स्मृति के साथ ही 19वीं सदी के अस्त्र शस्त्र को भी देख सकते हैं। अगर आप जगदीशपुर जाना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप 23 अप्रैल को वहां जाए क्योंकि उस दिन वहां बड़े ही व्यापक स्तर पर विजयोत्सव मनाया जाता है। देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम माने जाने वाला सन 1857 में क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले बाबू कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को अपने जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ी थी और एक हाथ में अंग्रेजों की गोली लगने पर उसे खुद काट कर गंगा में प्रवाहित करने के बावजूद वीर कुंवर सिंह में इतनी ताकत थी कि उन्होंने अंग्रेजों को जगदीशपुर से भगा दिया था। ऐसे विजय की याद में यह उत्सव मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे मसाढ़ पार्श्वनाथ मंदिर की। जैनियों के प्रमुख स्थलों में से एक है भोजपुर। यहाँ देश विदेश के जैनियों के अलावा अन्य पर्यटक व श्रद्धालु आते हैं। जिले में जैन के प्रमुख मंदिरों में से एक है मसाढ़ का पार्श्वनाथ मंदिर। जिला मुख्यालय आरा से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। मसाढ़ का यह मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष प्राप्ति के बाद अब बनारस से सम्मेद शिखर जा रहे थे तो मसाढ़ गांव में विश्राम किए थे। तदुपरांत यहाँ पर लगभग 600 साल पूर्व इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। 7वीं सदी में भ्रमण करने यहाँ आए मशहूर चीनी यात्री ह्वानसोंग ने अपनी यात्रा वृतांत में इसका उल्लेख किया है। इस मंदिर परिसर के पूर्वी भाग में शिवजी मंदिर है जिसके द्वार बाहर से हैं। वहीं मंदिर परिसर के अंदर पश्चिमी हिस्से में सती माई का मंदिर है, इसका भी द्वार बाहर से ही है। बताया जाता है कि सती माई ने मंदिर का छत नहीं ढालने के लिए स्वप्न में कहा था, तब से यह मंदिर बिना छत का है। ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टिकोण से यह मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी वजह से यहाँ श्रद्धालु खासकर जैन धर्म के अनुयायी आते रहते हैं। आगे हम बात करेंगे शाहजी मस्जिद की। हमारे धर्मनिरपेक्ष एवं विविधताओं से भरे देश में यह एक खूबसूरती है कि आप किसी हिंदू को मस्जिद में चादर चढ़ाते तो किसी मुस्लिम को छठ पूजा करते देख सकते हैं। यह देखा होगा और इसी की मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में शाहजी मस्जिद जो अरणय देवी मंदिर के बगल में स्थित है। भारत के 5 गुंबदों वाला यह दूसरा मस्जिद जिसे शाहजहां ने 1623 में बनवाया था। आगे हम बात करेंगे आरा हाउस की। आरा के प्राचीन स्थलों में आप आरा हाउस को देख सकते हैं। इस प्राचीन इमारत का निर्माण 1857 से पहले ब्रिटिश काल के इंजीनियर ने किया था। बिहार के आरा में स्थित आरा हाउस 1857 के संग्राम का मूक गवाह रहा है। शहर के महाराजा कॉलेज परिसर में स्थित इसी इमारत में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज अधिकारों को 7 दिनों तक कैद रखा था। कहा जाता है कि इस इमारत में आने जाने के लिए एक सुरंग थी जिसे होकर कुंवर सिंह आते जाते थे। यह स्थल बिहार के मुख्य पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। शिव मंदिर
अगर आप आरा गए हैं तो कुछ घंटे की दूरी पर ब्रह्मपुर में प्रसिद्ध शिव मंदिर को देख सकते हैं। माना जाता है कि इस शहर का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया था। जानकारी के अनुसार यहां मौजूदा शिवलिंग कई सालों पहले जमीन के अंदर से निकला था। यहां भगवान शिव ब्रह्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यहां रोजाना भक्तों का आना जाना लगा रहता है। खास अवसरों पर यहां भव्य आयोजन किए जाते हैं। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो श्रावण महीने के दौरान आप यहां आ सकते हैं और उस समय यहां हो रहे भगवान शिव की पूजा देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आगे हम बात करेंगे देव सूर्य मंदिर तरारी की। भोजपुर जिले के तरारी प्रखंड के देव पंचायत के देवगांव में अति प्राचीन सूर्य देव का मंदिर है। यह मंदिर 14वीं शताब्दी या उससे पूर्व का बताया जाता है। गांव में भगवान भास्कर की ऐतिहासिक प्रतिमा होने से दूर दूर से छठ करने के लिए लोग यहां आते हैं। बगल में एक नया मंदिर भी स्थानीय लोगों के सहयोग से बनाया गया है, जिसमें 7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान भास्कर की काले संगमरमर की प्रतिमा स्थापित है। इनके अलावा आप करबला के मौलाबाग मस्जिद जा सकते हैं, जो कि 1817 में औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। चतुर्भुज नारायण मंदिर लक्ष्मी नारायण की यह अति प्राचीन प्रतिमा पिहोवा ब्लॉक के चतुर्भुज गांव में स्थित है। बिहार के पर्यटन स्थलों में आज हमने आपको भोजपुर जिले के पर्यटन स्थलों की जानकारी देने की कोशिश की। अगले वीडियो में हम आपको बिहार के अन्य जिलों के पर्यटन स्थल के बारे में बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही अगर आप भी इस जिले के हैं या आपने इस जिले का भ्रमण किया है तो यहाँ की सबसे मशहूर चीज के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।